जनता का आईना में आप सभी का स्वागत है। अभी आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में एक पिता और पुत्र को जो मोबाइल की दुकान चलाते थे, उन्होंने अपने निर्धारित समय से थोड़ा समय ज़्यादा दुकान खुली रखी और उसके लिए उन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाया गया और वहाँ पर पुलिस स्टेशन में उनके साथ मारपीट की गई। इसी हालत में हॉस्पिटल में उनसे झूठा सर्टिफिकेट लिया गया डॉक्टरों से और मैजिस्ट्रेट के पास खड़ा किया गया। मैजिस्ट्रेट दूसरे माले पे रहते थे, आरोपी को नीचे ग्राउंड फ्लोर पे नीचे खड़ा किया गया बिल्डिंग के नीचे और पुलिस ने बता दिया कि यही आरोपी है और बगैर कोई पूछताछ किए मैजिस्ट्रेट ने उनका रिमांड दे दिया। तो कानून के अंतर्गत क्या इस तरह का रिमांड लेना सही है? इस सारे विषयों पर, इस घटना के बारे में और इस घटना में मैजिस्ट्रेट की भूमिका, उससे हम शुरू करते हैं। तो मैजिस्ट्रेट जो होता है, मैजिस्ट्रेट होता है कि पुलिस किसी भी आरोपी को अरेस्ट करती है तो वो अरेस्ट करने के बाद पुलिस अपने कस्टडी में, अपने ताबे में उस व्यक्ति को नहीं रख सकती। पहले उनको मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है। यानी किसी को अरेस्ट किया तो अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया जाता है, किया जाना जरूरी है। और हाजिर करने के पहले उसकी जैसे ही अरेस्ट किया उसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए। मेडिकल जांच होने के बाद उसको मैजिस्ट्रेट के पास खड़ा करना चाहिए और मैजिस्ट्रेट को बताना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए पुलिस ने कि ये व्यक्ति की और कस्टडी पुलिस को क्यों चाहिए, इसको अरेस्ट रखना क्यों जरूरी था, इसका अरेस्ट करना क्यों जरूरी था और इसने कौन सा गुनाह किया है, क्या किया है। ये सारी बातें बताना जो है पुलिस का कर्तव्य बनता है, कानून के अंतर्गत उनके लिए ज़रूरी है। कानून के अंदर ये भी ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति जब मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तो मैजिस्ट्रेट ने उस व्यक्ति को फिज़िकली खुद देखना चाहिए, बगैर देखे, बगैर उसकी बात सुने, बगैर उसकी कंप्लेंट सुने कोई भी मैजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी आरोपी की कस्टडी पुलिस को नहीं दे सकता या फिर फर्दर उसको जेल में भी नहीं भेज सकता है। तो ये बहुत ही साफ तौर पे हमारे संविधान में लिखा हुआ है, हमारे कानूनों में लिखा हुआ है, CRPC में लिखा हुआ है। कानून, संविधान क्या कहता है? संविधान में मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। उस मूलभूत अधिकार में आर्टिकल 21 ये एक मूलभूत अधिकार है कि हर एक व्यक्ति के जीवन, उसकी स्वतंत्रता, उसकी डिग्निटी, उसका आत्मसम्मान, ये सब की रक्षा करना जो है वो राज्य का कर्तव्य है और उसकी इन चीज़ों का कोई भी वायलेशन नहीं कर सकता। सिर्फ कानून के अनुसार जब ज़रूरत पड़े तो उसमें बंदी लगाई जा सकती है, लेकिन आम तौर पे हर एक नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है। तो इसलिए, और क्या आरोपी या कोई जो गुनहगार है उसको ये अधिकार नहीं है? उसको भी यही अधिकार है। अगर कोई गुनहगार है या किसी को फांसी की भी सज़ा हो गई तो भी उसके सारे के सारे अधिकार उसी तरह से रहते हैं और उनको, उसको कोई मार नहीं सकता है। तो इसलिए मैजिस्ट्रेट और उसका कस्टोडियन कौन होता है? एक बार पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद जब मैजिस्ट्रेट के पास लाया तो वो मैजिस्ट्रेट के कंट्रोल में होता है, मैजिस्ट्रेट के ऊपर होता है कि उसे पुलिस को कस्टडी देना है या नहीं देना है। वो अगर पुलिस को कस्टडी भी देता है तो उसके सारे अधिकारों की रक्षा करना ये मैजिस्ट्रेट का काम होता है। तो मैजिस्ट्रेट को जो है बहुत बड़ा जो जवाबदारी जो है कानून ने दी है। तो क्या मैजिस्ट्रेट इस जवाबदारी को पूरा करते हैं, और अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मैजिस्ट्रेट के सामने जब पुलिस लेके जाती है तो मैजिस्ट्रेट का काम होता है कि उस व्यक्ति को ये पूछे, तुम्हें पुलिस से कोई शिकायत है, तुम्हें मारपीट किया गया है, मारा गया है, या आपको कोई तकलीफ दी गई है, आपको कोई दबाव बनाया गया है, या आपका क्या कहना है, ये सारा पूछना मैजिस्ट्रेट का कर्तव्य है। आरोपी बताए या नहीं बताए खुद से, लेकिन खुद से होकर मैजिस्ट्रेट को ये सारी बातें पूछना जरूरी है। मैजिस्ट्रेट को ये देखना जरूरी है कि उस व्यक्ति पर क्या आरोप हैं। मैजिस्ट्रेट को ये देखना जरूरी है कि पुलिस इस व्यक्ति को क्यों अपने पास रखना चाहती है, उसके कारण क्या है, किस तरह का गुनाह किया गया है, उसका FIR क्या है। FIR देखना
ज़रूरी है, क्योंकि हर एक एफआईआर रजिस्टर होने के बाद 24 घंटे के अंदर जो है वो मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचना चाहिए। तो उसके टेबल पे एफआईआर होना चाहिए कि उसमें क्या क्या उसके ऊपर गुना रखा गया है। तो ये सारी बातें देखना मैजिस्ट्रेट का कर्तव्य है, और मैजिस्ट्रेट ने जब ये सेटिस्फाई होता है कि हाँ भाई इसे मारा पीटा नहीं गया है, इसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया गया है और इसकी कस्टडी रखना ज़रूरी है, तभी उसकी कस्टडी जो है फिर से पुलिस को दी जा सकती है। अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो उसको उसी वक्त छोड़ भी सकता है। तो ये मैजिस्ट्रेट का कर्तव्य जो कानून में दिया गया है वो कर्तव्य बहुत जगह पर मैंने देखा है, खुद अपने एक्सपीरियंस से देखा है। जब कोर्ट के अंदर रिमांड का टाइम आता है तो ये प्रक्रिया मैजिस्ट्रेट नहीं पूरी करती है। कई बार हमने तो ऐसा भी देखा है कि हर एक जो रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट में जाती है तो कोर्ट का जो प्यून होता है, क्लर्क होता है, वो पीछे एक रबर स्टैंप लगा देता है कि आरोपी से पूछा गया कि तुमको कोई तकलीफ है, और आरोपी ने बता दिया कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, मारा पीटा नहीं गया। इस तरह का संविधान का प्रोविजन को मैन्युअली और इस तरह से मैकेनिकली डील नहीं किया जा सकता है। उसके लिए हर एक समय हर एक आरोपी को ये पूछना ज़रूरी है, और यहाँ तक कि भी अगर उसको शनिवार को अरेस्ट किया गया है तो संडे को कोर्ट को छुट्टी है इसलिए मंडे को अरेस्ट उसको मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करें, ऐसा नहीं है। अगर शनिवार को अरेस्ट किया गया है, संडे को कोर्ट बंद है, तो फिर हॉलीडे कोर्ट के सामने या स्पेशल कोर्ट के सामने या फिर मैजिस्ट्रेट के घर पे उस आरोपी को प्रोड्यूस करना ज़रूरी होता है। तो ये कानूनी पहलू हैं जो संविधान ने हमें दिए हैं, इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, ये देखना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। ये भी देखना ज़रूरी है क्या आरोपी को जो है हथकड़ी पहनाया गया है। अगर किसी ने छोटा सा आरोपी है और किसी ने जो है चोरी का इल्ज़ाम है या कुछ मारपीट का इल्ज़ाम है, उसको आप हथकड़ी पहना के नहीं ला सकते हैं। संजय दत्त बम ब्लास्ट में जिसको अरेस्ट किया गया था, उसको एक बार जो है हथकड़ी पहनाई गई और उसके फ़ोटो जो है मीडिया में आ गए तो उस पर वो पुलिस वालों पर एक्शन लिया गया। तो वो तो बम ब्लास्ट का आरोपी था, फिर भी कोर्ट का यही कहना था कि उसको हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती है। तो इस तरह का जो पूरा कानून का प्रावधान है, और इसलिए ये जो तमिलनाडु में केस हुआ वो पूरी तरह से संविधान के धाराओं का उल्लंघन है, और उस पर एक्शन होते रहना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। और हमें नागरिक करके ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये सारी व्यवस्थाएं वो हमारे रक्षा के लिए, हमको न्याय देने के लिए बनी है। उनके खिलाफ लड़ना हमारा के लिए नहीं है, हम वो हमारी मदद के लिए आना चाहिए। तो अगर वो हमारी मदद करने की बजाय, हमें सुरक्षा देने के बजाय अगर हम पर अत्याचार करने लगे तो उसके खिलाफ हमें ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए, और उस तरह के प्रावधान जो है कानून में रखे गए हैं। तो इसलिए जब मैं पिछला सेशन लिया था उसके बाद मुझे पंजाब से एक फ़ोन आया था, और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि उनके साथ पुलिस द्वारा मारपीट हुई है, अत्याचार किया गया है। तो मैंने उनको बताया कि आप हमारा वीडियो देख सकते हो, उसमें सारी बातें हैं। तो उन्होंने वीडियो भी देखा, उन्होंने सारी चीज़ें भी देखने के बाद जब वो कंप्लेंट करने के लिए गए तो पुलिस ने उनसे मांडवली की बातें करने लगी। पुलिस ने उन्होंने कहा कि हम आपको पैसा देते हैं, 1.5 लाख रुपया देते हैं, पहली किस्त हम अभी आपको दे देते हैं, आप कोई कंप्लेंट नहीं कीजिए। ये बोलते हुए पुलिस ये भी बोलने लगी कि अगर कंप्लेंट हमारे खिलाफ की तो आपको झूठे केस में फंसाया जाएगा। तो ऐसे मामले में क्या करना चाहिए? तो ऐसे मामले में मैंने उनको यही एडवाइस दिया जो मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। जब भी पुलिस अत्याचार करती है, पुलिस से बचने का और उनके गलत कामों से बचने का एक ही रास्ता है कि आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए। एक बार आप उनके खिलाफ कंप्लेंट करते हो, सारा चीज़ जो है आप रिकॉर्ड पे लाते हो, उसके बाद आपको अपने आप सिक्योरिटी मिल जाती है कि उसके बाद पुलिस आपके खिलाफ कोई अत्याचार या झूठा गुना नहीं करेगा आम तौर पे, क्योंकि उसको डर है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी तो वो आपसे अच्छे संबंध बनाकर वो केस कैसे विड्रॉ हो उसकी कोशिश करेगा। लेकिन आपने अगर दो मन स्थिति रखा तो फिर वो आपको और डराने की कोशिश करेगा, आपको और धमकाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए आपको यह है कि आपके साथ अत्याचार हुआ है तो उसका कम से कम आप रिपोर्टिंग तो कीजिए, आप कहीं पे भी रिपोर्टिंग कीजिए, आपकी बात जो है वो
रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। तो आप अगर डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में नहीं कर सकते हो, आपको लगता है, डर लगता है, तो आप मानव अधिकार आयोग को भेजिए पत्र। जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है दिल्ली में, आप उनको पत्र भेज सकते हो। मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। या आप जो भी राज्य में रहते हैं, तो हर राज्य में भी मानव अधिकार आयोग, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो बैठता है, आप उसके पास भेजिए, आप मुख्यमंत्री को भेजिए। लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं भेजकर आपके एक रिकॉर्ड में रखना है। आगे कार्रवाई आप हो या नहीं हो वो आप आगे निश्चित कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ जो अत्याचार हुआ उसका पूरा डॉक्यूमेंट कीजिए। जैसे मैंने बताया था, मेडिकल करवाइए। मैंने जैसे कि कहा था कि आप मेरा पिछला वीडियो देखिए कि पूरा डिस्क्रिप्शन लिखिए, फोटोग्राफ निकालिए, वीडियोग्राफ निकालिए, वो सारा जो है मटेरियल आप जमा करके आप ये सब जो है आप भेजिए। तो मुझे लगता है कि वो आपको सुरक्षा भी देगा, और पुलिस पर कार्रवाई आप करना चाहते हैं तो उसे आगे बढ़ाकर आप पुलिस पर कार्रवाई कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन ये सब करना ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं किया तो ये सब तो डिस्ट्रॉय करेगी पुलिस, और आपको फिर वो मौका ढूंढकर कहीं ना कहीं फंसाएगी।